हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ मैथ जिसमें मनोहर की बुक देखेंगे। इसमें कह रहा है अध्याय एक है संख्या पद्धति प्रश्नावली एक का डी। आइए अब हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है हमारा, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, फिर इसमें दो दो बिंदु जो दिए गए हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ आ जाएंगे तो पहला दे दिया है -7 तथा 4 के बीच की दूरी निकालना है नंबर वन। तो नंबर वन में क्या मिलेगा, ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी। यहाँ 0 बनेगा, 1 2 3 4 यानी 4 तक जाना है। तो 1 2 3 4, फिर इधर कह रहा है -7 है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। और यहाँ पर हमारा 0 था, अब दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो बन जाएगा -7 तथा यानी 4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो यहाँ हम देखेंगे 4 हमारा यहाँ है और -7 यहाँ है, इसके बीच की दूरी चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक 4 दूरी होगी, और यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो हमें दूरी 7 मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 और प्लस 7 बन जाएगा, क्योंकि दूरी माइनस में है लेकिन हम जब दूरी लेंगे तो यह अदिश राशि होती है, इसको हम प्लस ले लेंगे। दोनों तरफ है तो दोनों के बीच की दूरी दोनों जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा 11 मात्रक और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया है, कह रहा है 7 यहाँ -7 है, -7 तथा माड में -7 के बीच की दूरी। ये तो -7 रहेगा, ये हो जाएगा तो +7 होगा, क्योंकि माड से बाहर कोई संख्या निकलती है तो प्लस हो जाती है। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी हमें मिलेगा, ये 0 हमारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, आगे 8 लिख सकते हैं लेकिन हमें +7 यानी यही मिलेगा। दूसरा आ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हमें -7 मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बनेगी यानी 7, और फिर यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी बनेगी 7, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो बनेगा क्या, -7 तथा माड में -7 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, और ये बराबर हमें मिल जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो 7 + 7 बराबर हमें मिलेगा 14 मात्रक, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हम ले लेते हैं 3 और 4 के बीच की दूरी निकालना है इसी तरह से। तो हम ले लेंगे कि 3 और 4 के बीच की दूरी, तो यहाँ बन जाएगा 0 1 2 3 4, आगे और खींच सकते हैं तो दोनों प्लस हैं तो 1 2 3 4। अब यहाँ आ जाएंगे तो एक तो हमारा 3 बना, तो 3 यहाँ है और 4 यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी चाहिए तो इस दूरी में से इस दूरी को हम घटा देंगे, क्योंकि हमें इतना ही चाहिए तो पूरी दूरी में से ये दूरी घट जाएगी। तो हमें मिलेगा 3 तथा 4 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये बराबर दोनों प्लस रहेंगे या दोनों माइनस रहेंगे तो बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को घटा दिया जाएगा। तो 4 - 3 बराबर बन जाएगा 1 मात्रक, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। एक और दे दिया है -1 और -2 के बीच की दूरी, तो अगर इसको इसी में बनाना चाहें तो 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो एक हमें -1 लेना है, दूसरा -2 लेना है, और इसके बीच की दूरी चाहिए माने ये दूरी, तो इस दूरी में से इस दूरी को हम घटा देंगे। तो बनेगा नंबर 4 वाले में ये था नंबर 3, नंबर 4 क्या मिला, -1 व -2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। यहाँ आ जाएंगे तो
तो दोनों माइनस हैं तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी घटेगी, यानी दो में से एक घटा देंगे तो बन जाएगा एक मात्रक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या रेखा पर वी बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हैं, जिसमें पहला है नंबर 1 कि माड में यक्ष ये छोटा है 3 से, तो एक तो आ जाएंगे हम प्लस चिन्ह ले लेंगे तो मिलेगा यक्ष छोटा होगा 3 से, दूसरा जब माइनस चिन्ह ले लेंगे तो माइनस यक्ष ये कह रहा है 3 से। अब चूंकि माइनस यक्ष जो हमारा बनेगा जब प्लस था तो ये बड़ा था, तो माइनस है इसका मतलब अब ये हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हम लिख देंगे यहाँ इस तरह से, अब ये इधर जाएगा तो हमेशा आपका ये यक्ष बड़ा हो जाएगा माइनस 3 से, यानी दोनों को मिला दिए तो यक्ष का मान हम देखेंगे एक तरफ 3 एक तरफ माइनस 3 लिखेंगे, तो इधर यक्ष की तरफ हमारा बड़ा मुख है तो यक्ष की तरफ हम बड़ा मुख कर देंगे, और इधर 3 की तरफ मुख है चूँकि यक्ष की तरफ छोटा है तो 3 की तरफ 3 यहाँ है इस तरफ मुख कर देंगे, यानी इसका मान माइनस 3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अब अगर हम संख्या रेखा पर बात करेंगे तो ये 0 है 1 2 3 हो गया, और इधर 1 2 3 माइनस में हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 मिला। अब यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि यक्ष का मान माइनस 3 से बड़ा है तो माइनस 3 यहाँ है, और प्लस 3 चाहिए तो प्लस 3 यहाँ है आपका, यानी अब हम देखेंगे कह रहा है माइनस 3 से बड़ा तो माइनस 3 से बड़ा राइट में जाएंगे माने इस तरफ चलेंगे, और 3 से छोटा का मतलब इस तरफ चलेंगे, तो हमारा ये जो बिंदु होगा माइनस 3 और 3 के बीच की दूरी, अगर एक को हम P मान लें बिंदु, दूसरा Q मान लें बिंदु, तो ये दूरी जो बनेगी वह P और Q के बीच की दूरी बनेगी, यानी ये दूरी जो मिलेगी अर्थात पहला मिल जाएगा माड में यक्ष ये लेस देन है 3। अब ये कहाँ से मिलेगा P और Q के बीच की दूरी, तो लिखेंगे P और Q के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यानी हमें ये P वाला बिंदु छोड़ना है Q वाला छोड़ना है, इससे पहले आना है और इसके बाद में आना है, यही हमारा आंसर बन जाएगा P और Q के बीच की दूरी, या लिख सकते हैं इसको माइनस 3 और प्लस 3 के बीच की दूरी हो जाएगी, यानी इसी बिंदु में सभी बिंदु आ जाएंगे, तो हमारा मिलेगा कि माइनस 3 के दाईं तरफ तथा प्लस 3 के बाईं तरफ के सभी बिंदु हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदु प्रदर्शित करने के लिए कहा, तो यही हम लिखेंगे कि माइनस 3 तथा प्लस 3 के बीच के सभी बिंदु, बीच के सभी बिंदु, सभी बिंदु, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं हम, नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या दे दिया है, कह रहा है माड में यक्ष है और यहाँ पर कर्णी में 2 दिया गया था, तो ये बराबर है कर्णी में 2, तो एक बार हम धन चिन्ह लेंगे तो यक्ष बराबर होगा कर्णी में 2, दूसरी बार ऋण चिन्ह ले लेंगे तो ये बराबर होगा कर्णी में 2, और ये माइनस चला जाएगा तो यक्ष बराबर मिल जाएगा माइनस कर्णी में 2। तो यानी हमें लेना है यक्ष का जो मान होगा, एक तो कर्णी में 2 का मान और दूसरा माइनस कर्णी में 2 का मान। यहाँ आएंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, तो पहले तो हम यानी कर्णी में 2 का मान पीछे हमने पाया था, कर्णी में 2 का मतलब है कर्णी में 1 + 1, यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि यक्ष अक्ष और वाई अक्ष पर ये मान लेना है, तो यक्ष का मान 1 होगा और वाई का मान 1 होगा, तो अगर हम बात करें 1 और यहाँ वाई अक्ष पर भी बनाना है 1, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही कर्णी में 2 होती है। अब इस दूरी को लेकर के हम यहाँ से आर्क लगाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का बिंदु लेकर के जब इसको हम आर्क लगा के काटेंगे तो ये दूरी बन जाएगी हमारी कर्णी में 2 प्लस, और इतनी दूरी हमें मिल जाएगी इस तरफ और बन जाएगी ये दूरी माइनस कर्णी में 2 हो जाएगा। अब हमें दोनों लेना है बिंदु, एक कर्णी में 2 और दूसरा माइनस कर्णी में 2, तो यहाँ पर बिंदु हम पी बना देंगे, सॉरी यहाँ क्यू ले लीजिए, और यहाँ बिंदु P ले लेंगे, तो इसका मतलब ये जो बिंदु होगा एक बिंदु P और दूसरा बिंदु Q वाला प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यहाँ टोटल इक्वल है,
तो लिखेंगे क्या कि माट में यक्स और ये बराबर है कर्णी में दो, यानी के लिए जो मान मिलेगा ये बिंदु पी तथा बिंदु क्यू होगा। आगे आ जाएंगे, अगला है हमारा माड में एक्स बराबर, यानी सॉरी यहाँ था माड में एक्स बाई टू, तो यहाँ अगला है हमारा, ये आंसर हो चुका है। अब नंबर थ्री, यहाँ था माड में एक्स बाई टू बराबर सिक्स था नंबर थ्री वाला। अब यहाँ तिरक गुणा कर देंगे तो माड में एक्स बराबर हो जाएगा हमारा बारह। एक बार धन चिन्ह ले लेंगे तो एक्स बराबर बारह मिलेगा, दूसरी बार ऋण चिन्ह ले लेंगे तो एक्स यानी माइनस एक्स बराबर बारह होगा, तो एक्स बराबर माइनस बारह हो जाएगा। अब दो बिंदु इसमें भी मिल जाएंगे, एक प्लस बारह दूसरा माइनस बारह, तो यहाँ जीरो बना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो एक बिंदु यहाँ बन जाएगा प्लस बारह, दूसरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और यहाँ बन जाएगा माइनस बारह। अगर इसको हम P बनाते हैं, इसको Q बनाते हैं, तो यही PQ दोनों बिंदु होंगे, तो उत्तर में क्या मिलेगा हमारा बिंदु P तथा बिंदु Q, यही दोनों हमारे हो जाएंगे, इसका आंसर नंबर थ्री वाले का होगा। आगे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर इसी का हम फोर ले लेते हैं। तो फोर में क्या दिया है कि वन से बड़ा है माड में एक्स और दो से छोटा है, तो अगर एक बार धन चिन्ह लेते हैं तो एक से बड़ा होगा और दो से छोटा होगा एक्स का मान, दूसरी बार जब हम ऋण चिन्ह लेते हैं तो एक्स से बड़ा होगा माइनस और दो से छोटा हो जाएगा। अब चूंकि छोटी वाली राशि यानी ये छोटी होती है, अगर इधर गुणा करेंगे तो माइनस एक होगा, तो ये चिन्ह यहाँ आ जाएगा। अब ये कह रहा था कि ये छोटा है तो यहाँ पलटी मारे हुए हैं, तो ये भी हमारा पलटी मार देगा, यानी मिलागा क्या एक्स का मान एक कह रहा है एक से बड़ा और माइनस एक से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाएंगे तो एक से बड़ा है एक्स का मान, और आगे आ जाएंगे तो माइनस एक से छोटा है, इसलिए ऐसे लिखेंगे यहाँ माइनस वन होगा और ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं बड़ा है एक्स, दूसरा वन ले लेंगे तो ये भी हम देख रहे हैं एक्स की तरफ है मुख, तो यहाँ बन जाएगा एक्स की तरफ। अब ये बन गया माइनस एक और एक, यानी माइनस एक से छोटा और एक से बड़ा, अर्थात दोनों के बीच के बिंदु हो जाएंगे। दूसरा अगर हम दो दो वाला ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे एक्स और देखेंगे हमारा एक्स की तरफ हमारा ये पूछ वाला भाग है दो की तरफ है, तो इधर दो बन जाएगा। दूसरे में ले लेते हैं, चूंकि ये भी माइनस बनेगा तो ये हमारा जो बना हुआ है, जब माइनस का गुणा करेंगे दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। अब ये जो बना हुआ है कि दो की तरफ, तो माइनस दो लिखेंगे और मुख एक्स की तरफ है, इसका मतलब ये बन जाएगा, तो माइनस दो से ये बड़ा होगा और प्लस दो के बीच में होगा। अब हम अगर संख्या रेखा बनाते हैं तो ये हमारी संख्या रेखा हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस एक होगा और यहाँ प्लस एक बनेगा। अब अगर हम पहला लेते हैं तो माइनस एक से, यानी हमारा छोटा लेना है, ये कह रहा है माइनस एक से छोटा होगा, तो माइनस एक यहाँ है और इससे छोटा एक्स का मान, इसका मतलब इसके बाईं तरफ होगा। दूसरा प्लस एक, तो प्लस एक ये है और इससे कह रहा है एक्स का मान बड़ा होगा, तो बड़ा का मतलब इस तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर बिंदु P माने यहाँ Q माने तो हमें मिल जाएगा P के बाईं ओर तथा Q के दाईं ओर के बिंदु, ये पहला बन गया। या अब हम दूसरा ले लेंगे नंबर दो वाले को, यानी इसको लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा जीरो एक दो, यानी ये माइनस दो हो गया, एक दो यहाँ पर प्लस दो हो गया। अब ये कह रहा है प्लस दो से छोटा होगा, प्लस दो से छोटा का मतलब इस तरफ आएगा,
और एकरा माइनस दो से बड़ा होगा। माइनस दो से बड़ा का मतलब इस तरफ आएगा, अर्थात माइनस दो और प्लस दो के बीच का। तो यहाँ अगर एक्स ले लें, ये बिंदु वाई ले लें, तो यहाँ बन जाएगा यानी एक्स, या तो एक्स लिखिए या तो बिंदु लिख लीजिए, तो एक्स के दाई ओर, क्योंकि हमें राइट में जाना है, और दो के यानी वाई के बाई ओर, वाई के बाई ओर, बाई ओर के बिंदु, यानी इसके दोनों के अंदर के सभी बिंदु, इन दोनों को छोड़ देना है, इसके अंदर के सभी बिंदु आ जाएंगे और इसके पहले के सभी बिंदु आ जाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब आगे आ जाते हैं, तो ले लेते हैं प्रश्न संख्या तीन को। तो प्रश्न संख्या तीन क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बड़ा, बराबर या छोटा में से उचित प्रतीक चिन्ह लगाना है, यानी इसमें देखना है इन तीनों में से कौन आएगा। अब यहाँ पर हम पहले चलेंगे, सॉल्व करेंगे नंबर वन। तो क्या दे दिया है, माड में है सात माइनस दो, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, माड में सात है और माइनस माड में दो है, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो पाँच बचेगा, और यहाँ जाएंगे बाहर निकालेंगे तो सात होगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो दो होगा, बाहर माइनस है बचा रहेगा। अब यहाँ पाँच बना और इसमें से घटा दिए तो इधर भी पाँच आया, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा निशान लगेगा, इक्वल का निशान लगेगा। तो पहले में हमारा बन जाएगा इक्वल का निशान, यही हमारा आंसर होगा नंबर टू। तो नंबर टू क्या दिया है, आठ यहाँ दे दिया है, आठ माइनस माइनस तीन है, और अगला आ जाएंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, आगे माड में आठ है और माइनस है, माड के अंदर माइनस तीन है। तो आएंगे तो पहले अंदर हल करेंगे पूरे माड के अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आठ प्लस तीन हो गया, फिर माड लग गया, आगे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ आएंगे तो माड में आठ है, बाहर निकलेगा तो ये आठ बन जाएगा, ये माड में माइनस तीन है, ये बाहर निकलेगा प्लस तीन होगा, तो बाहर वाला माइनस बचा रहेगा। इधर जोड़ेंगे तो हमारा, अब ये माड खत्म है, इधर 11 आ गया माड के अंदर, क्वेश्चन मार्क था, आठ में से तीन घटा दिए तो पाँच आया, 11 और पाँच, चूँकि 11 बड़ा है इसलिए यहाँ पर ये निशान लगेगा, तो हमारा आंसर नंबर टू का आंसर बन जाएगा ग्रेटर देन का, क्योंकि 11 बड़ा है और पाँच हमारा छोटा है। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या हम तीन को देखते हैं। तो नंबर थ्री दे दिया है हमारा, कह रहा है माड के अंदर माइनस नौ है, फिर माइनस तीन है, आगे है क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे मिला माड में माइनस नौ है, और आगे है माइनस माड में हमारा तीन है। अब यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस नौ तीन बारह बन जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस से जुड़ गए। फिर क्वेश्चन मार्क बना, ये माड से बाहर निकलेगा प्लस नौ, ये माइनस बाहर है इसलिए बना रहेगा, और तीन बाहर निकलेगा तीन हो जाएगा, तो माड से बाहर निकलेगा ये प्लस बारह बन जाएगा, और नौ में से तीन को घटा देंगे छः आएगा, क्योंकि बारह बड़ा है, तो इसका जो आंसर बनेगा ये ग्रेटर देन का होगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आ जाएंगे नंबर फोर। तो यहाँ पहले अंदर से घटाएंगे तो तीन में से पाँच घटाएंगे तो माइनस दो बन जाएगा, आगे क्वेश्चन मार्क है, मार से तीन निकलेगा तो ये बनेगा हमारा तीन, माइनस रहेगा पाँच निकलेगा, पाँच बन जाएगा सॉरी यहाँ आ जाएंगे तो अब हम माइनस दो को मार से बाहर निकालेंगे तो प्लस दो हो जाएगा, और इधर आ जाएंगे घटा देंगे तो माइनस दो होगा, तो अब बड़ा कौन मिला, प्लस दो बड़ा मिला, इसलिए यहाँ भी निशान यही लगेगा, तो हमारा आंसर बनेगा ग्रेटर देन का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम ले लेते हैं, ये चार था, अब नेक्स्ट तो अगला हमारा कौन सा दे दिया है, तीन के बाद यानी चार नंबर था, ये हो गया है। अब यहाँ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर ले लेंगे। तो फोर में क्या दिया है हमारा, कर्णी के अंदर दो और कर्णी के अंदर तीन के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसका मान 1.414 होता है, इसका मान 1.732 होता है।
अब हमें इससे बड़ा और इससे छोटा अपरिमेय संख्या लिखना है, तो 1.5 लिख सकते हैं, 1.05 लिख के 2.0, क्योंकि अगर हम रिपीट करेंगे तो परिमेय आएगा और उसने कहा था अपरिमेय, तो इसलिए हमें अंक बदलना है तो अंकों को बदलेंगे। अब 3.0 हो जाएगा और 5.40 बन जाएगा, डॉट डॉट, कहा था 2 तो 2 संख्या लिखनी है, 1 ये बन गया। दूसरा अगर हम लेंगे दूसरी संख्या तो 1.6 चूँकि 7 से कम है, इससे बड़ा और इससे छोटा लिखना है, फिर 6.00 लिख देंगे, 6.000 लिख देंगे, 6 आगे डॉट डॉट, या हम क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा इससे छोटा करणी में 2.1 को भी लिख सकते हैं, यानी इसको भी लिखा जा सकता है, 2.2 को लिखा जा सकता है क्योंकि इससे बड़ा और इससे छोटा है, तो ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए दोनों सही होगा, तो यही हमारी 2 अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, तो 5 में क्या दिया है कि 2 और 2.5 के बीच की 2 अपरिमेय, फिर हमें अपरिमेय संख्या लिखना है, यहाँ जाएंगे 2 से बड़ा और 2.5 से छोटा ले लेंगे तो 2.1 आ जाएगा, और चूँकि हमें यहाँ पर अपरिमेय लिखना है तो 2.1 लेंगे, 1.0, फिर 1 लिख के 2.0, 1 लिख के 3.0, और इस तरह से एक पहली संख्या बन जाएगी, यानी 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। दो संख्या लेना था, हमने 1 ले लिया। दूसरा इसी तरह से 2.210, 2.20, 2.30 और डॉट डॉट, ये दूसरा आंसर बन जाएगा, या अगर हम चाहें तो दोनों को ऐसा ले लें 2 और इसका करणी में 5 का मान जो होता है 2.236 होता है, जो 2 से बड़ा और इससे छोटा है, इसका मतलब हम चाहें तो आंसर में करणी में 5 भी ले सकते हैं, और दूसरा करणी में 5.1 को भी लिया जा सकता है, ये भी हमारी 2 अपरिमेय संख्याएं होगी क्योंकि इससे बड़ा और इससे हमें छोटा लेना है, तो चाहे आप इन दोनों को लीजिए या आंसर में इसको लिखेंगे, दोनों आंसर आपके सही होंगे। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6, तो क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच की 1 अपरिमेय संख्या, फिर वही आया 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेना है, तो हमारा 1 और 2 के बीच 1 अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या मिलेगा, रिपीट ना हो, 1 से बड़ा हो, तो 1.1 लिया जा सकता है, 0.0 होगा, फिर 1 लिख के 0.000 होगा क्योंकि इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। और यह हम ले सकते हैं चूँकि बड़ा इसमें 2 है, करणी में 2 का मान 1.414 समथिंग होता है, तो इसका मतलब हो गया कि 1.41 से बड़ा है और 2 से छोटा है, अथवा करके हम इसको करणी में 2 को भी लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर हमारा सही होगा। चूँकि अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं तो उनके बीच में इससे बड़ा इससे छोटा चाहे जो भी संख्या लिखी जा सकती है। अगला आ जाएंगे तो अगला प्रश्न संख्या हमारा 7 है। 7 में क्या कहा, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं कि अपरिमेय। अब यहाँ पहला आ गया, इसका वर्ग करेंगे तो करणी में 2 का वर्ग यानी ये बना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, यहाँ करणी में 2 का वर्ग होगा प्लस 2 का वर्ग होगा प्लस 2ab, तो 2 गुणे पहला करणी में 2 गुणे दूसरा 2 बन जाएगा, तो यहाँ बन गया 2 और ये करणी में 2 का वर्ग यानी सारी करणी में 2 का वर्ग 2 हो गया, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ये गुणा कर देंगे तो 4 करणी में 2 मिल गया, तो 6 बना जोड़ने पर प्लस 4 करणी में 2 आ गया, चूँकि इसमें करणी बची हुई है इसलिए ये जो संख्या होगी अपरिमेय होगी, तो आगे हम क्या लिखेंगे, इसलिए करणी में 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 अपरिमेय संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। अगर करणी बची है तो उसको अपरिमेय कहेंगे और करणी नहीं आएगी तो हमारा अपरिमेय कहलाएगा। अगला ले लेते हैं प्रश्न संख्या 7 का 2। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये माइनस बी और ए प्लस बी बना हुआ है, तो ये माइनस बी और ए प्लस बी को हम कहते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर,
तो ये दो दूनी चार हो गया, माइनस कैणी में दो का वर्ग दो होता है और चार में से दो घटाएंगे दो आएगा, कैणी नहीं है इसलिए क्या बन गया, दो माइनस कैणी में दो और दूसरा दो प्लस कैणी में दो एक, चूँकि कैणी नहीं है तो परिमेय बन जाएगा, परिमेय संख्या होगी, तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। आगे आ जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी बना हुआ है तो कैणी में दो का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और प्लस दो ए बी करेंगे तो दो कैणी में दो गुणे कैणी में तीन होगा, तो यहाँ बनेगा कैणी में दो का स्क्वायर दो, कैणी में तीन का स्क्वायर तीन और यहाँ मिल जाएगा दो, तीन दूनी छः हो जाएगा, तो यहाँ बना पाँच प्लस दो कैणी में छः, चूँकि इसमें कैणी बची हुई है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, लिखेंगे अपरिमेय संख्या है या होगी, तो हम कह देंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आते हैं, सेवन का थ्री हो गया, सेवन का फोर ले लेते हैं, तो क्या दिया गया है यहाँ पर, तीन प्लस कैणी में दो है और दूसरा हम ले लेंगे तो तीन माइनस कैणी में दो, इन दोनों को एक तरफ कर देंगे, तीन प्लस कैणी में दो और अगला बन जाएगा तीन माइनस कैणी में दो और ये दोनों को एक तरफ कर देंगे तो दो माइनस कैणी में तीन, अगला दो प्लस कैणी में तीन, तो ये बना ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये पहला वाला हो गया। दूसरा इसी तरह से आएंगे ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, सारी कैणी में तीन है स्क्वायर बन जाएगा, तो तीन का स्क्वायर करेंगे तीन त्रिक्का नौ होगा, कैणी में दो का स्क्वायर कर देंगे दो आ जाएगा, दो का स्क्वायर करेंगे चार होगा, कैणी में तीन का स्क्वायर करेंगे कैणी से बाहर यानी तीन हो जाएगा, नौ में से दो घटाएंगे सात आएगा और चार में से तीन घटेगा एक आएगा, सात आ गया, चूँकि इसमें कैणी नहीं है इसलिए यह एक परिमेय संख्या बन जाएगी, तो यह एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यानी ये हमें यहाँ पर परिमेय मिल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ से नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।